दिखाएं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखलाने वाले हैं सयारा गेस्ट हाउस, जो कि सयारा में बना हुआ है माँ शीतला के नाम से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड्स, हम सयारा गेस्ट हाउस के पास आ चुके हैं और इस गेस्ट हाउस का नाम माँ शीतला गेस्ट हाउस है, जो माँ कड़े वासिनी के नाम से पड़ा हुआ है, शीतला माता के नाम से। तो आप देख सकते हैं ये चौराहा है, दिखाया फ्रेंड्स चारों तरफ। चलिए चलते हैं और आपको अंदर दिखाते हैं और यहाँ के ऑनर से बात करते हैं, जो यहाँ के मेन हेड हैं इस गेस्ट हाउस के। आइए। तो जैसा फ्रेंड्स, हम अंदर आ चुके हैं, तो चलिए चलते हैं, आपको पूरा दिखलाते हैं सयारा गेस्ट हाउस, माँ शीतला गेस्ट हाउस, और जो कि ये सयारा के बहुत ही पॉपुलर गेस्ट हाउस है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कितना सुंदर बना हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है सयारा गेस्ट हाउस, माँ शीतला गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, और ये बहुत ही बड़ा बना हुआ है और इसको केशव जी ने बनवाया है। और यहाँ पे रात का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। चलिए चलते हैं, हम आपको पूरा दिखलाते हैं। जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हैं, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, उनकी यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है। जैसे फ्रेंड्स, हम गेट पे आ चुके हैं सयारा गेट पे, जहाँ पे माँ शीतला के दरबार के नाम लिखा हुआ है, माता शीतला का। तो आप देख सकते हैं वो लिखा हुआ है ऊपर, दिखाएँ फ्रेंड्स। तो जैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ के जो हमारे सिराथू के लाल हैं, सिराथू के हमारे नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्हीं के द्वारा ये निर्मित किया गया है और ये माँ शीतला को उनको समर्पित किया है इन्होंने, क्योंकि माँ ने उनको जिताया और आगे बढ़ाया जीवन में। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि माँ की सेवा करें, माँ का गुण गाएँ, और जीवन में माता रानी आपको खूब आगे बढ़ाएंगी। शीतला माता की जय। तो जैसे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये महाराजा बिजली पासी जी हैं, रातों को रोशनी के जगमग में ये चहकती रहती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हम फुहारे के पास आ चुके हैं और ये फुहारा होता है रात में, नाइट में लाइटें जलती हैं और खूब ऊँचे ऊँचे फुहारा निकलते हैं इसमें से। कितना सुंदर नज़ारा है माता शीतला का गेस्ट हाउस। तो जैसे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, हम गेस्ट हाउस के अंदर आ चुके हैं और ये अंदर का नज़ारा है। यहाँ पे आपको अनेकों प्रकार के फूल मिल जाएंगे। हमारे चाचा जी का कहना है कि यहाँ पे जो फूल मिलेंगे, जो पौधे मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे,
वो आपको आप देख सकते हैं, चाचा जी हमारे दिखला रहे हैं, और ये पूरे भारत में जल्दी नहीं मिलेंगे आपको। बड़े कीमती पेड़ पौधे हैं जो कि यहाँ पे लगाया गया है, सजाया गया है, और ये गेस्ट हाउस के अंदर लगा हुआ है। ऐसे भी पेड़ हमने भी नहीं देखे फ्रेंड्स, जो आज हम अपने ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे पेड़ पौधे हैं, फूल निकले हुए हैं, अनेकों प्रकार के हैं, और हमने भी कभी नहीं देखा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कितना प्यारा फूल है, और ये भारत के अनेक प्रकार से कोने कोने से मंगाए गए फूल है। बहुत ही पेड़ पौधे ये सब महंगे हैं। जैसे ही फ्रेंड्स हम आ गए हैं गार्डन पे, और हमारे चाचा जी हैं यहाँ पे, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा पेड़ लगा हुआ है। आइए फ्रेंड्स, चाचा जी कौन कौन सा पेड़ है ये? ये लेमन घास है जी, और ये ग्रीन टी है, ये ग्रीन टी है, और ये किसमें पेड़ है? ये छोटी इलायची, ये छोटी इलायची का फ्रेंड्स पेड़ है। देखिए फूल भी आ रही है, देखिए ये देख सकते हैं आप, फूल भी है, ये फूल भी है छोटी इलायची के। तो यहाँ पे हमारे चाचा जी बता रहे हैं कि बहुत ही अनेक प्रकार के फूल लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो कि कहीं नहीं पाए जाते फ्रेंड्स, और ये बहुत दूर दूर से मंगाए गए हैं। तो आइए और अंदर चलते हैं और आपको दिखलाते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये हींग का पेड़ है, हमारे चाचा जी बता रहे हैं इसमें से हींग निकलती है, जो बहुत ही पूरे भारत में बिकती है, इसे हींग का पेड़ बोलते हैं। रामधी का पेड़ है, और इसमें से भी फूल निकलता है, ब्रेन टानिक के लिए अच्छा होता है, जैसे कि हमारे चाचा जी बता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पत्थर चट्टा का पेड़ है, जो पेट में पथरी हो जाती है, चाचा जी बता रहे हैं उसमें बहुत काम आता है ये। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, और इस बोर्ड में जितने भी ट्री के नाम लिखे हैं, पेड़ पौधों के नाम लिखे हैं, इसमें सारा नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इतने पेड़ पौधे कहीं नहीं लगे होंगे जो ये सयारा गेस्ट हाउस सर्किट हाउस में लगा हुआ है। बहुत ढेर सारे नाम है फ्रेंड्स। जैसा फ्रेंड्स आपने देखा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।